अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। 1742 गोल्ड चल रहा है। अपने फ्राइडे की क्लोजिंग से तकरीबन $1 नीचे चल रहा है गोल्ड। अभी भी गोल्ड को 1743 1745 ब्रेक करना बाकी है, तभी अपने फ्राइडे की क्लोजिंग के पास आ पाएगा। लास्ट वीक जो थे पूरा टाइम गोल्ड में मूवमेंट था। एक मूवमेंट था बॉन्ड यील्ड की वजह से और दूसरा मूवमेंट था फेड चेयरमैन के स्पीच की वजह से, जो उन्होंने फेड पॉलिसी के बाद दिया था। बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से गोल्ड गिरा था, लेकिन वापस से गोल्ड क्रैश होने से बच गया। इनफैक्ट फ्राइडे अगर आप देखोगे तो बॉन्ड यील्ड ऊपर थी, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर था, तब भी गोल्ड ने ज़्यादा कोई क्रैश नहीं दिया और इनफैक्ट देखा जाए तो गोल्ड पॉजिटिव में जाके ही बंद हुआ है। बॉन्ड यील्ड के 1.6% होने के बावजूद, बॉन्ड यील्ड इतनी बात कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड यील्ड होते क्या हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, कल आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बॉन्ड कैसे काम करते हैं और बॉन्ड होता क्या है और बॉन्ड यील्ड की वजह से मार्केट में कैसे क्रैश आता है या राइज आता है। अभी फिलहाल 1742 गोल्ड चल रहा है, तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है आइए देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1730 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $1752 का। गोल्ड अभी फिलहाल पॉजिटिव जोन में चल रहा है, तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। मैं गोल्ड का ट्रेंड भी लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। 1730 ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन कर देता है तो 1720 और 1710 तक जा सकता है। अदरवाइज फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है, तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। सिल्वर के साथ ऐसा नहीं है, सिल्वर को देख लेते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। तकरीबन 1.5% डाउन है सिल्वर अपने फ्राइडे की क्लोजिंग से और अभी भी वीक जोन में ही बनी हुई है, तो इस वजह से ही आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। सिल्वर का आज का रेजिस्टेंस है 2620 का। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 2548 का। सिल्वर का ट्रेंड है वीक, थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट ट्रेंड है गोल्ड और सिल्वर में, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अभी भी सिल्वर वीक जोन में है, 2620 के ऊपर जाती है और सस्टेन करती है तो जरूर वापस से पॉजिटिव हो जाएगी, बट अभी भी वीक जोन में बनी हुई है। और अगर 2548 से नीचे जाती है तो वापस से एक बार 2520 और $25 टेस्ट करने की कोशिश कर सकती है सिल्वर, तो ख्याल रखिएगा थोड़ा सा प्रेशियस मेटल्स में, बिकॉज दोनों का जो ट्रेंड है, बोथ गोल्ड और सिल्वर आर इन कॉन्ट्रेडिक्ट ट्रेंड। तो क्योंकि कॉन्ट्रेडिक्ट ट्रेंड है तो आप जो भी आप ट्रेड करो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो। और ये वीक जो है ये काफी स्पीचेस से भरा हुआ है, फेड चेयरमैन की स्पीच है, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। कौन कौन से दिन किस किस की स्पीच है मैंने अपने वीकली एनालिसिस में दिया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैं ऑलरेडी सैटरडे अपडेट कर चुका हूँ। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल को देखने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी प्लीज लाइक कीजिए, लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। $61 के आसपास चल रहा है अभी भी। इंटरेस्टिंगली जो इंट्राडे चार्ट है उस पे पॉजिटिव जोन में आ चुका है, बट थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अभी भी इतना स्ट्रेंथ लग नहीं रहा है क्रूड ऑयल की मार्केट में। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है आइए देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 59.50 का। क्रूड ऑयल का आज का रेजिस्टेंस है 62.30 का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेल करना। 59.50 ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो $58 तक जा सकता है। 62.20 जो हमारा रेजिस्टेंस है आज का उसके ऊपर निकलता है, 62.20 के ऊपर निकलता है तो $64 और $66 वापस से जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल पॉजिटिव है तो सेल अवॉइड कीजिएगा। अब एमसीएक्स के लेवल देखने से पहले एक बार यूरो और बिटकॉइन को देखेंगे।
बिकॉज यूरो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, आप गोल्ड में काम करते हो तो यूरो को देखते हैं। यूरो चल रहा है 1897। अभी भी जो यूरो है वो वीक जोन में बना हुआ है। आज का रेजिस्टेंस क्या है? आज का रेजिस्टेंस है ये 1920 का, देख लिख के दे देता हूँ आपको। उन्नीस सौ बीस का रेजिस्टेंस है आज का, सपोर्ट है आज का 1850 का। यूरो का ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। 1920 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो 1950 और 1990 तक जा सकता है। 1850 के नीचे जाता है तो 1800 तक वापस से जा सकता है। फिलहाल यूरो वीक जोन में है तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। अब देख लेते हैं बिटकॉइन, उसके बाद देखेंगे MCX के लेवल। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यह है बिटकॉइन का चार्ट, $57,400 के आसपास चल रहा है। अभी भी वीक जोन में ही है बिटकॉइन, पॉजिटिव जोन में नहीं गया है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, आइए देखते हैं। बिटकॉइन का आज का रेजिस्टेंस है $58,500। बिटकॉइन का आज का सपोर्ट है $55,000। 58,500 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 60,000 वापस से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 55,000 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 52,000, 52,000 और 50,000, 50,000 टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट अभी का ट्रेंड वीक है तो अवॉइड कीजिएगा बिटकॉइन को बाइंग करने के लिए। ट्रेंड में लिखना भूल गया। अब देख लेते हैं MCX के लेवल। सबसे पहले देखते हैं गोल्ड। गोल्ड चल रहा है 45,025। आज के MCX का गोल्ड का सपोर्ट है 44,850। MCX गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 45,180। ध्यान रखिएगा ये जो मैंने लेवल दिए हैं ये 72.54 रुपए के हिसाब से दिए हैं। USD INR जो चल रहा है, शाम को 5 बजे जब USD INR बंद हो जाएगा तो लेवल रिवाइज करूंगा मैं। रिवाइज लेवल देखने के लिए आप 5 बजे ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। ज्वाइन का बटन दबाने के बाद आपको कम्युनिटी पोस्ट में सारे लेवल देखने को मिलेंगे 5 बजे। MCX का सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 67,200। MCX का सिल्वर का सपोर्ट है आज का 65,900। MCX का क्रूड ऑयल का लेवल जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, ज्वाइन का बटन दबाया है आपने तो आपको मिल जाएगा कॉपर और जिंक के लेवल के साथ। अब देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी आज थोड़ी सी वीक ओपन हुई है, ज्यादा कोई पॉजिटिव ओपन हुई नहीं है। निफ्टी 14,721 के आसपास चल रही है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है निफ्टी का, आइए देखते हैं। निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 14,800 का। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 14,450 का। निफ्टी का ट्रेंड वीक है, जब तक मार्केट 14,800 ब्रेक नहीं करती, 14,800 ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो 15,000 और 15,200 जा सकती है। 450 से नीचे जबरदस्त वापस से वीकनेस आ सकती है 14,200 और 14,000 तक। फिलहाल निफ्टी ट्रेंड इज वीक, सो अवॉइड गोइंग फॉर बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं शाम को भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ स्ट्रीम करके, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7:15 बजे वीडियो आता है वो मेरे इंग्लिश चैनल पे, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो शेयर का बटन दबा के। आप मुझे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलूंगा शाम के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।